अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज़ रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे दुधिए की खीर, जो खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स लगे। डेढ़ लीटर दूध लिया है, 2 कप शक्कर ली है, आधा कप साबूदाना लिया था, 2 से 3 घंटे के लिए हमने भिगाया था, ये आधे कप से ज़्यादा हो गई है, आधा किलो दुधिया लिया है जो कि घिस कर हमने 250 ग्राम, ये हो गया है, और 150 ग्राम खोआ लिया है, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून घी, 2 से 3 पिंच ग्रीन फूड कलर लिया है, काजू बादाम पिस्ता हमने 10 से 15 लिया है और चॉप कर दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं, 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, इसके बाद हम दुधिया डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छा भूनेंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं भूनकर, अब हम दूध डालेंगे। थोड़ा दूध हम बचाकर रखेंगे, इसके अंदर हम आखिर में खोआ पकाएंगे। अब इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे और फिर उसके बाद हम साबूदाना ऐड करेंगे। अब इसे उबाल आ गया है, अब हम इसमें साबूदाना मिलाएंगे और इसे अच्छा पकाएंगे ताकि ये गल जाए। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पकाते रहेंगे ताकि दूधिया और साबूदाना अच्छी तरह गल जाए, और इसे बीच बीच में हिलाना भी है ताकि दूध नीचे ना लगे। अब हमारा साबूदाना और दूधिया गल गया है और अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। याद रखें, साबूदाना और दूधिया गलने के बाद ही शक्कर मिलाएं। 1 कप हमने शक्कर मिलाई है और थोड़ी, शक्कर जब तक पक रही है हम तब तक खवे को थोड़ी देर पकाएंगे। दूध को थोड़ा गर्म करकर अब हम इसमें खवा मिलाएंगे। अब खौआ हमारा अच्छा पक गया है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और ग्रीन फूड कलर हम डालेंगे। अब हम इसे हमारी खीर में मिला देंगे। अब हम ये थोड़ा थोड़ा करकर मिलाते जाएंगे। अब हमारे काजू बादाम पिस्ता हम आधे आधे इसमें डाल देंगे। हमने 1.5 कप शक्कर डाला था, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी शक्कर डाल सकते हैं। अब हमारी खीर तैयार हो गई है। हम इसे डिश आउट करते हैं।
देखिए हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है, हमें इसी तरह की खीर चाहिए थी। अब हमने इसे खीर को निकाल लिया है, अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे। हम इसे ठंडी कर कर भी खा सकते हैं या इसी तरह भी हम खा सकते हैं। अगर आपको हमारी खीर की रेसिपी पसंद आई होंगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही लजीज रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।